नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भव्य दिव्य काशी, जी हां, बाबा विश्वनाथ का भव्य दरबार तैयार है, अब बस लोकार्पण का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभ मुहूर्त पर बाबा विश्वनाथ धाम के नए शानदार परिसर का आज उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम खुद गंगा तट से नए कॉरिडोर होते हुए बाबा का जलाभिषेक मंदिर के अंदर काशी विश्वनाथ गर्भगृह के मौजूद पास में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य अर्चक श्रीकांत मिश्रा जी है जो प्रधानमंत्री का पूजन और अर्चन कराएंगे। किस विधि से पूजन अर्चन कराया जाएगा और उसके बाद कैसे उद्घाटन की प्रक्रिया होगी, हम श्रीकांत जी से ही जानते हैं। श्रीकांत जी, कैसे पूजन अर्चन की विधि क्या होगी इस बार? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, ये उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सिंह संकल्प का परिणाम है क्या श्री काशी विश्वनाथ धाम देश को लोकार्पित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के धर्मपरायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भारत के जगतगुरु बनने की यात्रा का यह श्री गणेश है। सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी जो आदरणीय प्रधानमंत्री है, हम सबके प्रिय सांसद हैं, माँ गंगा के घाट लट्टा घाट जो अब श्री काशी विश्वनाथ धाम का अंग है, वहाँ से कलश में जल ले करके और बाबा विश्वनाथ के दरबार तक गर्भगृह तक आएंगे और वहाँ गर्भगृह में बैठ करके 15 मिनट तक सभी भी षोडशोपचार पूजन पंचामृत से भगवान को स्नान और पवित्र विभिन्न पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक और फिर चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तालुमी फल दक्षिणा प्रदक्षिणा जो पूजन की सामग्री होती है वो सब समर्पित करके भोग राग करके बाबा की आरती करके और देश भर से आए हुए धर्माचार्यों के संविधान में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी में उत्सव का दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता को काशी विश्वनाथ धाम समर्पित करेंगे, जिसको लेकर पूरी काशी को तैयार किया गया है, श्रृंगार किया गया है। काशीवासियों में इस मौके को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। वाराणसी पहुंचने के बाद पीएम खुद हाथ में गंगा जल लेकर कॉरिडोर से होते हुए गर्भगृह तक आएंगे। इसके बाद रवि महायोग में बाबा के गर्भगृह में पहुंचेंगे। यहां पहले से लाए गए देश के अन्य पवित्र नदियों के जल में गंगा जल मिलाएंगे, उसी जल से बाबा श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसके बाद पीएम बाबा से राष्ट्र उन्नति, विश्व कल्याण, राष्ट्रीय चेतना, संचार के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजन के बाद प्रधानमंत्री श्री काशी विश्वनाथ धाम देश को समर्पित कर देंगे। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सीएम योगी ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से बड़ी खबर है, अभी अभी वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण करने जा रहे हैं पीएम, और पीएम के उतरते ही विश्वनाथ धाम में शंखनाद शुरू हो चुका है विश्वनाथ धाम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम। दोपहर करीब 12 बजे काल भैरव में दर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे पीएम। और निश्चित तौर पर आज काशी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था पहुंचने का और अब पहुंच चुके हैं वाराणसी एयरपोर्ट। अभी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है, और उसके बाद जो पूरा शेड्यूल है पीएम का वो यहां से आज शुरू हो जाएगा काशी का। आपको बता दें कि 2 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पर ही रहेंगे, काशी में ही रहेंगे। और वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं, वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल के अंकुर। सबसे पहले रुक करेंगे वाराणसी का, धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र चूंकि आप वाराणसी में ही हैं और इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, और इसके पहले ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अभी एयरपोर्ट पहुंचे ऐसी खबर मिली है, आगे क्या कुछ इनका पूरा कार्यक्रम होगा, कब तक विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे? बाबा काल भैरव, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन और पूजन करेंगे, उसके बाद खिड़किया घाट जाएंगे जहां बोर्ड द्वारा वो ललिता घाट आएंगे और वहीं से
कलश में जल लेकर काशी विश्वनाथ गर्भगृह में पहुंचेंगे, जहां काशी के विद्वानों के हिसाब से मुहूर्त निकाला गया है 1:15 का। उसके बाद पूजन अर्चन व देश के जितने साधु संत आए हुए हैं, धर्माचार्य आए हुए हैं, महामंडलेश्वर आए हुए हैं, वो साक्षी होंगे इस अनोखे पल का, काशी विश्वनाथ के उद्घाटन का। क्योंकि प्रधानमंत्री ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी सौगात आज काफी नहीं पूरे विश्व के सनातन धर्म के लिए देने जा रहे हैं। तो ये जो काशी विश्वनाथ का प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, इसके बाद वो देर शाम मुख्यमंत्रियों के साथ काशी में जो 11 लाख दीपकों से काशी जगमगाएगी, उसका बोर्ड द्वारा रोरो क्रूज से पूरा अवलोकन करेंगे 84 घाटों का 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और उसी में उनकी वार्ताएं भी होंगी काशी के विकास को लेकर, काशी कैसे क्योटो बनाए, संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री लगातार जो कार्य कर रहे थे 2014 से, और आज 2021 में जो मूर्त रूप में काशी आ चुकी है, काशी विश्वनाथ धाम आ चुका है, उसको लेकर जो तैयारियां थी, जो संकल्प था प्रधानमंत्री का, जो पूर्ण हो चुका है और काफी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में होगा। धर्मेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन से बड़े नेता हैं जो वाराणसी पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ही वाराणसी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप और क्या दिखा पाएंगे दर्शकों को कि कहां तक की पूरी तैयारी आज कर ली गई है। हमें देखिए, मैं फिलहाल में विश्वनाथ कॉरिडोर धाम हूँ, जहाँ छत्ता द्वार जिसे कहा जाता है, जो मूर्त रूप में लाया गया है, और ज्ञानवापी मस्जिद भी उसी के बीच में दिखाना चाहूंगा जो विश्वनाथ धाम के अंदर है। और ये गेट है, देखिए ये पूरा जो मुख्य द्वार बनाया गया है, ये तंग गलियारे थे, आज उसमें मुक्ति मिल चुकी है। और जो ये मेन गेट है, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व 12 राज्यों के मुख्यमंत्री आज में 3000 महामंडलेश्वर आए हुए हैं, और हिंदुस्तान के कोने कोने से जितने धर्माचार्य है, जितने विद्वान है, वो आए हुए हैं। और काशी विश्वनाथ का जो चौक है, जो चौक बनाया गया है, उसमें वो चीजें बनाई गई है उसको दिखाने के लिए, वहाँ पे जो दृश्य होगा वो दिखाया जाएगा, और उसके बाद महामंडलेश्वरों को साक्षी मानकर जो हिंदुस्तान की कई नदियों से पवित्र जल आया हुआ है, उसको गंगा के साथ प्रधानमंत्री को जो है अर्पित कर, प्रधानमंत्री विश्वनाथ जी को अर्पित करके, यहाँ के विधि विधान से पूजा अर्चन करके, देश को आज विश्वनाथ का जो मंदिर था, आज विश्वनाथ धाम के रूप में सौंपने जा रहे हैं। अमित, बिल्कुल तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, और कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थल पर पहुंचेंगे, जिसके बाद विधिवत औपचारिक रूप से इस आयोजन की शुरुआत होगी। धर्मेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ स्टेट हेड अनिल के अंकुर भी जुड़े हुए हैं। अनिल, धार्मिक महत्व तो निश्चित तौर से इस पूरे आयोजन का है ही, लेकिन जहां तक वाराणसी की बात है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, ऐसे में यदि हम राजनीतिक मायने इस पूरे कार्यक्रम के निकाले, क्या हम इसे बीजेपी का एक बड़ा स्तर पर शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं? क्योंकि 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में एक ही मंच पर शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। जी अनिल, हम आपके पास फिर से रुक करेंगे, तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से रुक कर लेते हैं। धर्मेंद्र चौबे का वाराणसी से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, निश्चित तौर पर धार्मिक महत्व इस पूरे आयोजन का है, जहां तक क्षेत्रीय जनता की बात है, क्षेत्रीय जनता, वहां के व्यापारी, आम जनमानस किस तरह से इस पूरे आयोजन को देख रहा है? व्यापारी वर्ग हो, चाहे काशी की जनता हो, चाहे काशी के लोग हो, चाहे काशी का संत समाज हो, चाहे काशी का विद्वत परिषद की बात की जाए, ये जो अनोखी पल होगा काशी के लिए काफी अद्भुत होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री 2014 के बाद से काशी विश्वनाथ का जो संकल्प लिए थे कि गंगा से सीधे विश्वनाथ मंदिर का जो द्वार है, वहां तक गंगा की लहरें विश्वनाथ मंदिर को टच करेंगे, और अभिषेक गंगा जल से सीधे विश्वनाथ जी का किया जाएगा। तो जो संकल्प प्रधानमंत्री ने इसको जिस दिन उन्होंने नींव रखी, ईट रखा और पूजन भूमि पूजन किया, उसके बाद ही उन्होंने संकल्प को पूरा करने का संकल्प लिया, और काफी वासियों के लिए उन्होंने 2014 में ही ये संबोधन किया था कि काशी को मैं क्योटो बना दूंगा, और काशी को क्योटो आज जो बनाने की बात हो रही है, काशी कॉरिडोर
धाम की बात की जाए, काशी में जितनी प्रधानमंत्री की परियोजनाएं चल रही हैं, आज काशी जो गलियों का शहर कहा जाता था, आज काशी गलियों से मुक्त होते नजर आ रहा है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं विकास की बयार भी इस लोकार्पण के साथ बहती हुई नजर आएगी। धर्मेंद्र, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम फिर से रुख कर लेंगे लखनऊ का। स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अनिल, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं बता रहा था अमित की सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से पिछले 2014 के इलेक्शन में गुजरात मॉडल पेश किया गया था, वैसे ही इस बार बनारस मॉडल यानी काशी विश्वनाथ मॉडल को पेश किया जा रहा है। बाबा के इस जो जिस तरीके विकास का एक स्वरूप के रूप में बताएंगे कि हमने जिस तरीके से बनारस का विकास किया है, काशी का विकास किया है, वैसे प्रदेश के अन्य शहरों को, अन्य जिलों का विकास किया जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ा एजेंडा धार्मिक स्थल रहे हैं, चाहे मामला अयोध्या का हो या फिर मथुरा का हो या चित्रकूट का हो या मथुरा का हो, तो काशी से लेकर के जितने भी धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश के, उनको एक एक पूरी तौर से एक सर्किट बनाया जा रहा है। और ये धार्मिक सर्किट के तरीके से इसको डेवलप करने की योजना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज काशी का विकास किया गया है, इसके बाद अगला एजेंडा इनका अयोध्या का है, अयोध्या के बाद मथुरा का है, फिर उसके बाद चित्रकूट का है। तो ये लगातार एक के बाद एक एजेंडा इनके सामने लाएंगे और ये बताएंगे किस तरीके से हम धर्म के साथ साथ पैटर्न इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि धार्मिक पैटर्न इंडस्ट्री होती है जो अपने आप शहर को रोजगार देती है और विकास भी करती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अब महत्व और ज्यादा मिलने जा रहा है काशी को। पहले से हालांकि विश्व प्रसिद्ध है ही, लेकिन आज जब इस विश्वनाथ का लोकार्पण हो जाएगा विधिवत, इसके बाद निश्चित तौर पर यहां पर 50 लोगों की और बढ़ेगी देश विदेश से। हम फिर से रुक कर लेंगे वाराणसी का। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए तस्वीरों के साथ। धर्मेंद्र, निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से भी काशी को एक नई गति आज से मिलने जा रही है। जहां तक बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, बताया जा रहा है कि 2 दिवसीय उनका यह दौरा होगा। आज के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद और कौन कौन से ऐसे अहम कार्यक्रम या बैठकें होंगी जिसमें पीएम शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, वाराणसी विश्वनाथ धाम में जो महामंडलेश्वर है, उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री पूजन अर्चन करने के बाद मुलाकात करेंगे और काशी विश्वनाथ में 3 घंटे बिताने के बाद उन लोगों के साथ, और 12 राज्य के मुख्यमंत्री भी लगभग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ। तो यहाँ जो अवलोकन है, जो काशी विश्वनाथ का लोकार्पण है, उसको करने के बाद वो 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे और यहाँ के जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, उनसे भी प्रधानमंत्री बात करेंगे। उसके बाद विश्वनाथ कॉरिडोर धाम, रविदास घाट होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर धाम से रविदास घाट होते हुए डेरेटा जाएंगे, थोड़ा देर वहाँ विश्राम करने के उपरांत देर शाम लगभग गंगा आरती के समय वो फिर रविदास घाट से रोरो क्रूज पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ मंडलेश्वर हिंदुस्तान से आए हुए उनके साथ रोरो क्रूज। बिल्कुल, फिर इसके बाद बैठकों का दौर भी शुरू होगा। कहीं ना कहीं धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी अहम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। स्टेट हेड अनिल के अंकुर भी हमसे जुड़े थे इस खबर पर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं आपको बता दें, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण और पीएम मोदी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए भी उनका आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, काशी का श्रृंगार पूर्णता की ओर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज लोकार्पित होने जा रहा श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप काशी के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन का आधार बनेगा। काशी के पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए आभार प्रधानमंत्री जी। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही वाराणसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और उनके आगमन से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरूप काशी के सांस्कृतिक, उन्होंने लिखा है, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इसकी उन्नयता का आधार बनेगा, उन्नयन का आधार बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय ये यूपी दौरा होगा। आज कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री अगले अश्वमेध महामंदिर में सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात,
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस सम्मेलन में बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग भी करेंगे। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूट में भी बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेड्यूल में बदलाव किया गया, रूट में बदलाव किया गया। आपको बता दें, एयरपोर्ट से सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क मार्ग से होकर काल भैरव मंदिर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के रूट में बदलाव किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काशी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूट में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से अब सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री। तो जहां आज काशी में विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर का लोकार्पण है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। फरवरी महीने से मिर्जापुर और जसवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थरों से स्तंभों की चौकियों का निर्माण शुरू किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक श्रीराम अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में 40 फुट ऊंची चट्टान का निर्माण कराया गया, जिस पर फाउंडेशन के दूसरे चरण में 5 फुट ऊंचे राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण स्थल पर 32 ब्लॉकों में इसे लगाया गया है, जो कि लगभग 95% के साथ काम पूरा हो चुका है। फाउंडेशन का काम मैं कह सकता हूं 5 या 10% बचा है। मैंने कोई नापतोल नहीं की है लेबोरेटरी में परसेंटेज की, लेकिन 5 या 10% ज्यादा नहीं है। अर्थात राफ्ट, वो राफ्ट क्या है, सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन। चट्टान बन गई, अब उसके ऊपर कंक्रीट पड़ रहा है। हमारी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार फिर योजना बनती है कि हम दिसंबर 2023 उसमें भगवान को अपने मूल गर्भगृह के स्थान पर स्थापित कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे, जनता दर्शन करने लगेगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 17 दिसंबर को राहुल गांधी का अमेठी दौरा है। 17 दिसंबर को राहुल गांधी का अमेठी दौरा है। अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। करीब 2.5 साल बाद अमेठी पहुंचेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी बार राहुल का अमेठी दौरा होगा। 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेसी नेता लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं। प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है और राहुल गांधी भी दौरे पर होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद कुमार दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी का दौरा अमेठी में होने जा रहा है। दौरे में क्या कुछ इस बार खास देखने को मिलेगा, किस तरह की रणनीति कांग्रेस ने तैयार की है? जी बिल्कुल, अमित जी बताऊँ चलता है, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सियासी जमीन मजबूत करने अमेठी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी 17 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंच रहे हैं। प्रस्तावित दौरे को लेकर यूपी प्रभारी सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी द्वारा तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी गई हैं। लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी के दौरा सियासत में काफी अहम माना रहा है। जी निश्चित तौर पर लंबे अंतराल के बाद काफी अहम दौरा इसे कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आगामी चुनाव की रणनीति के तहत राहुल गांधी का दौरा काफी अहम होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक हरवंश कपूर का आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। ये पूरी तरह स्वस्थ थे और पार्टी की तमाम बैठक और अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय थे। सोमवार यानी कि बीते दिन भी उन्होंने विभिन्न बैठकों में भाग लिया था। बीती रात को वे भोजन करने के बाद सो गए, लेकिन सुबह जब उन्हें चाय पीने के लिए उठाया गया तो वो उठे नहीं। अभी 75 साल के थे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिवंगत विधायक हरवंश कपूर के घर पहुंचे। सीएम धामी ने हरवंश कपूर को विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके परिवार वालों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बीजेपी के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से एक थे हरवंश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।